रोल कैमरा एक्शन। तो गाइज आज कुछ वीडियो आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा, तो जाइए जली जली वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है गाइज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग गाइज। तुम्हारा खुशबू की दुकान में अपना मकान खोल दो, हर कुत्ता हर मेरे डायलॉग बोलना पड़ेगा ना, हर कुत्ता सबके मकान में खुशबू की दुकान, खुशबू की दुनिया में अपना मकान खोलो, जल्दी खोलने वाले हो। खुद के मकान में खुशबू की दुकान खोल दो, छोटा सा शटर लगा के। तो यहाँ पे देखिए समोसे का कैसा भीड़ लगा हुआ है, ये जापान के, ये देखिए समोसे ऐसे मिलते हैं इसमें केचप। क्या बोले? ये जो समोसे है ये अलीगढ़ से बनाए वाले घी वाले समोसे स्पेशल बनाया जाता है, जिसमें ड्राई फ्रूट डाला जाता है, इसीलिए इतने लाइन है, भीड़ है। आप नहीं खा रहे हो? नहीं, हमको समोसा जमता है, मराठी आदमी वड़ा पाव खाता है। मी पण मराठी आहे ग, तू नाही बोलला काय ग? अर्धी भैया ने अर्धी पाय अर्धी नाही बोलला काय ग? वड़ा पाव खाणार काही नाही ना। हे बघ हे बिचारे बीमार आहे भाऊ, आयजू मध्ये घालायचं जरा आता लगावा नहीं है, बंद है, पेट पूजा किया जा रहा है। खाओ खाओ खाओ। तो गाइस ये हमारे देवी सर का प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा घर है, और आज का लोकेशन देखिए बाहर का कितना प्यारा है और बहुत छोटा। यहाँ पे देखिए कितना सेटअप, सब कुछ अभी सारी चीजें सेटअप हो रही है, कुछ टाइम बाद देखना सारी चीजें यहाँ से गायब हो जाएगी। तो गाइस अब हम चलते हैं देवी सर के घर के अंदर, यहाँ की प्रॉपर्टी देखिए उस टाइम की प्रॉपर्टी से मैच करते हुए हमें सारी चीज़ें अरेंज करना पड़ता है। मुश्किल तो होता है लेकिन हमें वो सारी चीज़ें इसलिए करना पड़ता है कि जो जितना कुछ हो हम रियल प्रॉपर्टी आप लोगों के सामने आपको दिखा सके। तो देखिए डाइनिंग टेबल ये है, कितना प्यारा सा हमारे डेवी सर का। छोटा सा हमारे डेविड जी का घर है, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। एक बार गाइस पूरा सेट दिखा दो, ये देखो गाइस इसमें कैंडल्स लाइट जलते हुए, पर अभी तो सब बंद है, अभी सब सेटअप होगा उसके बाद ये जलेगा। और थैंक यू सो मच आपने मेरा वीडियो बनाया, वीडियो बनाने वाला थैंक यू गाइस। तो गाइस मुंबई वाली ब्लॉगिंग तो आपने देखी होगी, अब मुझे जोर से भूख लगी, अब मैं सेट पे खाऊंगी समोसे, पेट पूजा फिर काम करेंगे। मीट के घर पे हमारा शूट चल रहा है, और यहाँ पे देखिए मेरी चाय बन रही है गाइस, ये मेरी चाय, और ये मैं, और ये मेरे दादा पार्टी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, इधर बैल पार्टी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, टेक्निकल से चाय बना रहे। ये देखो आग तो ऐसे लगा रहे जैसे कि भी आग लग न जाए। बन चुकी है, अरे दादा बस आग नहीं। तो गाइस मेरी चाय गरम गरम चाय। पहले देखा था मेरे पीछे कितना सारा कुछ कैमरा वैमरा था, अभी देखिए सब कुछ खा लेगा, सब अपने अपनी जगह पे चला गया है, क्योंकि अभी हम करने वाले शूटिंग। पाओ और मैंने वड़ा पाव खाया है, और ये भाव मेरे पैसा दे रहे हैं। मैं नहीं दे रहा हूँ भाव, तुम काटलात नहीं बने। कैसा लगा नया नया कपड़ा मिलके? अभी ये पुराना है लेकिन जो नए वाले मिले वो बहुत ही अच्छे। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हम लोग सब डेविड का इंतजार कर रहे हैं, डेविड अभी एक घंटा हो गया डीजे आ गया, आ नहीं रहा है। पूरे दिन का आज हमारा काम हो चुका है गाइस, अब हम घर चले गए। लेकिन उस टाइम पे भी था सर ये कि जैसे आप मान ली अभी जैसे क्या होता है उस टाइम पे कि उस टाइम पे खाने के लिए बहुत ज़्यादा होता है खाना का, उस टाइम पे क्योंकि जो अनाज अभी जो हो रहे जानवर थे वो भी बहुत रिस्की होता था क्योंकि ठंड बहुत पड़ती थी उस टाइम पे, मतलब एक साइड में ऐसा होता था कि एक साइड में पूरा एक जो इलाका होता था पूरा गर्म ही होता था एक टाइम पे,
धीरे धीरे मानसून चेंज होने में शुरू हो जाता है लखनऊ से वापस, क्योंकि ये बुक जो मैं पढ़ा हूँ डॉटी या पटेल में उतना ध्यान नहीं है, बट उसमें ऐसा ही था कि बुक के हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में ही था, हिस्ट्री बोलो ना, हिस्ट्री बुक ठीक है मैम, हिस्ट्री तो इतिहास कि उस टाइम पे ना ठंडी में भी बहुत लोग बहुत मुश्किल से ठंडी में लोग शिकार करवाते थे, और कभी कभी होता था क्या कि बड़े बड़े जानवर शिकार कर देते ये लोग, और शिकार करके वो लोग खाते थे, तो ये लोग देखते थे तो उस जानवर को भगा के वो मारा हुआ खाते। अरे वाह, अरे वाह, ये भी सही था। तो मतलब उस जमाने में जीना चाहते हो? नहीं ये तो ओवरऑल स्टोरी वही गए तो जीना ही है, क्या ही कुछ। तो गाइस आज का कार्यक्रम यही खत्म होता है। तो गाइस ये वॉच कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस घड़ी में देखो टाइम क्या हो रहा है गाइस, ये गन कैसा है कमेंट करके जरूर बताना, ये प्रॉपर्टी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, कैसा लगा। तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों को अपने डेविड सर का घर दिखाती हूँ। 1908 में हम जाते हैं, ये घर आपको पता है बहुत सारे इंडस्ट्री बहुत सारे मूवी बहुत सारे शो में देखने को मिला होगा, लेकिन 1908 में हम इसको कैसा डेकोरेशन किए हैं कैसा क्या किए हैं। आर्टिस्ट अभी सेट पे है, लेकिन प्रचंड देव जी का शॉल और ये क्या बोलते हैं मोती माला इधर ही टंगा हुआ है। गाइस अभी से ये सर इस जमाने में, लेकिन ये 1908 का काम कर रहे हैं। मैं इनको अपने कैमरे पे ना ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने वाली हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट। देखिए पुलिस कप्तान की 1908 की कैप, कितनी मेहनत करते हैं हम 1908 की कैप किस तरीके से बनाए फ्रेंड। ये देखिए 1908, इस ये 1908 का देखिए क्या है, 1908 का डंडा, 1908 का डंडा कैसे हम ट्रॉली क्रेन लगाए हैं, और ये देखिए कैसे तो आज की दुनिया में लेकर चल रहे हैं 1908 की दुनिया, 1908 का आज का। घड़ी 1908 की स्टाइल, आठ में भी एप्पल था ऑरेंज था मुझे पता ही नहीं। ये देखिए गाइस 1908 का सोना, 1908 में ऑरेंज भी था और एप्पल भी था और पेरू भी था, एप्पल वाला है 1908 में रियल था। 1908 की चेयर, ये ड्राई फ्रूट्स बॉक्स है ना, इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं है गाइस। 1908 की बोतल, ये देखो गाइस 1908 का घर का सेटअप। ये 1908 की दुनिया, ये 1908 का सेटअप, सेटअप कर रहे हैं सेटअप। Like the golden days at the beach, family buzzing in my air like a beat. Maybe you could chill. All the stuff I have up in my head, I just wanna do. बीच में हमने क्रेन लगा दिया है और आने जाने में कितना जाने में कितनी परेशानी हो रही है, पर क्या करें 1908 की लेकिन स्टोरी हमें दिखानी पड़ेगी। आपको नींद आ रही है? नहीं यार ये सब दिख रहा है। ओह शिट गाइस सो जाओ। कहां सो जाऊंगा, कोई आराम करो गाइस। आप लोगों को तो अभी तो हम सेट पे शूट कर रहे हैं, मुंबई वाला वीडियो किस किस को पसंद आया प्लीज कमेंट करिए, और क्या नया देखना है कमेंट करिए, क्योंकि BTS की सारी अपडेट ना मैं आपको यूट्यूब स्टोरी पे दूंगी, क्योंकि जब तक तो देखिए टेलीकास्ट होता है उसके टेलीकास्ट आप लोग देख लेते हो फिर BTS देखते हो तो सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो मैंने ये सोचा है कि सारा न्यू अपडेट ना आपको यूट्यूब स्टोरी पे सब कुछ मिलेगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए, जैसे नहीं वो आर्टिस्ट आ रहे वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप तो आजकल मेरी स्टोरी देख ही रहे हो, और प्लीज़ ढेर सारा प्यार करो यार। कुछ बोलना है गाइस आपको?
बस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जो भी होता कर दिया। हाँ अब हम क्या ही कमेंट करिए हम और कहाँ सेकंड जाए तो कमेंट करके बताइए तो हम जरूर जाएंगे। आज किसी ने कमेंट किया था कि तारक मेहता का सेट देखना है तो हम लोग प्लान कर रहे हैं किसी दिन आपको तारक मेहता का सेट भी दिखाएंगे। सेट दिखाएंगे और वहाँ पे क्या है कि थोड़ा ना फ्री टाइम में जाना अच्छा होगा। हाँ क्योंकि अगर प्रॉपर शूट करने के लिए ना आपको थोड़ा टाइम चाहिए। राइट। और अभी ऐसा होता है कि हम लोग शूट पे हैं फिलहाल और जिस दिन छुट्टी होगा पता चले हम लोग को भी छुट्टी है और वहाँ पे भी छुट्टी है मतलब डे ब्रेक है तो फिर ऐसा होता है कि दोनों जगह पे छुट्टी है तो आप ऐसे कोई खाली सेट घूम के कोई मतलब नहीं ना तो जो वहाँ पे ऐसा होना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा टाइम चाहिए इसके लिए तो लेकिन ज़रूर दिखें ये है कि आप लोग को देखने को मिलेगा। बस मिलती हूँ आपसे। तो कैब में बैठ के मोबाइल देखा जा रहा है इनका काम हो गया ट्रेन को बाहर निकाला जा रहा है अब क्लोज कटेंगे क्लोज शूट होगा क्लोज कटिंग। आपने मास्टर शॉट हो गया अब ट्रॉली लग रहा है क्लोज शॉट आप देखते हो आर्टिस्ट को फॉलो करते ही कैमरा कैसे बैग 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 जाता है गाइस। ये देखो गाइस ये सब फटफट सब काम कर रहे हैं रात के बज रहे 12। थर्माकोल क्यों लगाते क्यों से आर्टिस्ट के फेस पे अच्छी लाइटिंग मिले इसलिए ये लगाते हैं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ बाय बाय।